जो ने एक बजे झूले भी हैं बच्चों, हम झूले भी लेंगे। ठीक है, बाबा का तो कंट्रोल नहीं होना ना। आया मेरा नल्ला चापड़ी पे रोजगार तो हो गया है। मैं तो ले ही नहीं रही थी। एक और आ गया यार, ये एक हेलीकॉप्टर के आ गया, मेरे सारे दोस्त पागल हो गए हैं। हेलो मेरे नल्ला चापड़ी पे रोजगार दोस्तों, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, झूले लेके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू गाइस आर डूइंग? वेल, तो भाई आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शक्ल कहाँ से आ गई है, थोड़े दिन आती है और फिर चली जाती है क्या। बस मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह तमीज़ से मैं जरूर ब्लॉगिंग करूँगी, बट थोड़ा सा टाइम दिए आप लोग अपनी बहन को। तो जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा टाइम आता है फिर हम लोग जो है ना तमीज़ वाली ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे दोबारा से। खैर, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल लाइव व्लॉग। और यार वेलकम टू विंटर्स, बहुत ज़्यादा प्यारा जो है ना आजकल मौसम चल रहा है सिर्फ विंटर्स की वजह से ही। और मुझे इस तरह का मौसम पसंद है, पर जो आगे वाली ठंड आएगी ना वो बहुत ही ज़्यादा ना। बस खैर, हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। इनका जो टॉपिक है वो बहुत ही औसम है, आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे जो व्लॉग का टॉपिक है वो आप लोग टाइटल से तो पता चल ही गया होगा, पर एक बार मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ कि हमारा टाइटल क्या है। हमारा टाइटल ये है कि हमने आज जाने किसी रेस्टोरेंट में और जाके वहाँ पर उनके फूड एंड क्वालिटी एंड सिक्योरिटी को चेक करना है। हम देखेंगे कि उनका फूड जो है वो किस तरह का है, वो हमें किस तरह का बना के देते हैं, हाइजीनिक होता है या नहीं होता। दूसरा कि उधर जो है हमें क्रॉस कंटामिनेशन तो नहीं नज़र आती कुछ, और क्लीननेस, फूड क्वालिटी, कुक, चिल, एवरीथिंग, सब कुछ देखना है। तो जो जो हम देखेंगे मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि हम कैसे कैसे देख रहे हैं। तो ये हमें एक प्रेजेंटेशन मिली है जो कि बहुत ज़्यादा औसम प्रेजेंटेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। और मैं कहती हूँ कि इस तरह के हमारे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग ना हमें ऐसी कोई अच्छी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीखें। और जो जो आज हम सीखेंगे ना इसको सारा क्रेडिट जाता है मैम तबीन को, जिन्होंने हमें ये इतनी अच्छी असाइनमेंट दिया जिससे हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। उसके बाद रेडी शेडी होते हैं और यूनिवर्सिटी चलते हैं, जाके अपने दोस्तों को ज्वाइन करते हैं और फिर वहाँ से आगे रेस्टोरेंट चलते हैं। लेट्स गो। यार सबसे पहले तो हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन साइन करवाने के लिए अपनी मैम के पास, ताकि वो हमें ये साइन करके दें और फिर हम जाके विजिट करके आए रेस्टोरेंट में। फिर हम चलेंगे अपनी HOD के पास, उनसे साइन करवाएंगे। तो यार कैसे हो सकता है ऐसे कि मैं इस CRC आऊँ और इस शीशे को ना देखूँ। सो फाइनली यार हमारे जो है ना एप्लीकेशन पे HOD के भी साइन हो गए और मैम के भी साइन हो गए, बस अब हमारा सारा काम डन हो गया। हम जो है ना बस अब अपनी दोस्त का इंतज़ार करें ताकि वो आए और फिर हम सब जो है ना रेस्टोरेंट चले इन ड्राइव करें। वो आ चुके हैं यूनिवर्सिटी, हम सबको मैसेज कर रही है, वो सामने में नज़र भी आ रही है, पर हमें से कोई भी उसको जो है जवाब नहीं दे रहा। हम कह रहे हैं कि वो घूम घूम के हमें ढूंढे। उसको मेरी ब्लॉगिंग से ही पता चल गया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और वो आ रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही, हमारा दोस्त प्यारा लग रहा है, इसीलिए इसने कहा था ड्रेस मेरा छुप जाएगा। हां, ओवरऑल पहनना है हमारा दोस्त का ड्रेस। यस, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज्यादा प्यारी। तो यार हमारी इंटरव्यू आ चुकी है तो अब हम लोग निकलते हैं और जाके जो है ना अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं और प्रोजेक्ट अपना। तो आप लोग को भी दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या करेंगे, आप लोग हमारे साथ ही रहे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट। तो यार अभी जो है ना हम बाहर आए हैं कुछ क्लिप्स लेने के लिए, उनके मैनेजर ने एक बजे झूले भी हैं बच्चों, हम झूले भी लेंगे। छोटी बच्ची हो क्या? अब हमारा प्रोफेशनलिज्म सारा गया, झूले में नजर आ गया हमें। तो यार अभी तक जो है ना मैनेजर नहीं आया, हमने अपनी पर्सनल पिक्चर्स और वीडियोस जो है ना वो क्लिक कर ली हैं। तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है, मतलब लोकेशन बहुत अच्छी है,
बहुत ज़्यादा इधर पिक्चर्स और वीडियोस तो ऑसम बनती हैं ना, ठीक है। बाकी जो है ना, अभी हम सोच रहे हैं कि अभी तो मैनेजर नहीं आया, हमारी पिक्चर्स और वीडियोस तो होंगी। और आप लोग को पता है वैसे भी गर्ल्स की जितनी मर्जी पिक्चर्स और वीडियोस बन जाए फिर भी वो कहते हैं कि कम है। तो हमने कहा है कि उसको एक साइड पर रख के हम क्यों ना अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जो शॉर्ट्स लेने थे वो ले लें। तो थोड़ी देर में हम वो स्टार्ट करते हैं, फिर मैनेजर आएगा, फिर हम अपनी क्या नाम विजिट है वो स्टार्ट करते हैं। यार यहाँ पर अभी तक फोटोशूट हो रहा है, वो नल्ला चापड़ी पे रोजगार झूले ले रहे। हेलो मेरे नल्ला चापड़ी पे रोजगार दोस्तों, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। झूले लेके 100% मार्क्स झूले लेके कैसा लग रहा है? ये अभी प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स। आया मेरे नल्ला चापड़ी पे रोजगार हो गया है। मैं तो ले ही नहीं रही थी। एक और आ गया यार, ये एक हेलीकॉप्टर के आ गया, मेरे सारे दोस्त पागल हो गए हैं। और मज़े की बात आती है, हेलीकॉप्टर जो है ना राउंड लगा रहे, और मेरे दोस्त समझ रहे कि एक हेलीकॉप्टर आ गया, दो आ गए, तीन आ गए, चार आ गए। तो भाई यहाँ पर वीडियोस बन रही हैं और मेरे जो है पोजेज ही नहीं खत्म हो रहे। ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लाइबा बदर। अलखान रेस्टोरेंट इज ऑल अबाउट ऑफरिंग टॉप नॉच हाइजेनिक फूड, बेस्ट लग्जरी। यार तूने क्यों हंसाया? अच्छा बोल रहे थे यार, मुझे बहुत मजा आता दोस्तों के तंग करने में। बेचारे की वीडियो नहीं फिर हमारी बननी बन जाएगी। ये मोमेंट्स नहीं हम छोड़ सकते। लाइट्स कैमरा एक्शन। अच्छा ओके जी, यस क्या ना, चलो हम झूले लेते हैं। तो यार अब हम झूले लेते हैं, इनका जो अभी रिकॉर्ड हो रहा बहुत हो गया अभी मेरा पॉजिस। खैर गर्ल्स के पॉजिस कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए मेरे भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जीती रहो बच्चे, क्या हाल है तुमका? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं ठीक ठाक। तुमका क्या हाल, यहाँ क्या कर रहा हूँ? बच्चे हम यहाँ पर विजिट करने आए, जो कि हम सीरियस होके कुछ कर ही नहीं रहा क्योंकि मैनेजर नहीं आया। मैनेजर ने व्लॉग के लिए किचन की वीडियो बनाने अलाउ नहीं किया था, मैंने कहा आप लोगों के लिए एक सीक्रेटली जो है ना ये एक शॉट ले लूं। हमने जो है ना रेस्टोरेंट का विजिट कर लिया है, हमने जाके इनका किचन देखा है जो कि बहुत ज़्यादा सही था, मतलब साफ़ सुथरा था, जो हमें चाहिए होता हमारी फूड के लिए। तो बाकी हमने बाकी सारी चीज़ें देखी, ओवरऑल सब कुछ बेस्ट है। बस यार अभी हमारा एक लास्ट पॉइंट है, चेकलिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ कि चेकलिस्ट हमारी तकरीबन सारी हो गया, बस एक लास्ट पॉइंट बैक है सर। तो अब हम इनका खाना देखेंगे कि वो हमें कैसे सर्व करते हैं, और देखते हैं कि इनका फूड कैसा है। क्लीनर इनकी बिल्कुल भी परफेक्ट है, तो अब देखते हैं कि वो हमें सर्व कैसे करते हैं और इनका फूड कैसा है। तो अब हम सब यहाँ पर बैठे हैं देखने के लिए कि इनका फूड कैसा है टेस्ट वाइज। तो जी हमारा ऑर्डर आ गया, हम इसको टेस्ट करते हैं। तो जी लास्ट में जो है ना हमने झूले लिए, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी आज मैं हूँ ऊपर आसमान नीचे। तो जी हमारे जो था ना सारा कुछ प्रोसीजर जो है वो हो गया है, मतलब जो हमने शॉट वगैरह लेने थे लास्ट के वो भी ले लिए, रेस्टोरेंट का विजिट करना था वो भी कर लिया है। अब जो है ना हम लोग इंटरव्यू मंगवाते हैं और फिर जो है ना चलते हैं यूनिवर्सिटी जाके हमने लास्ट क्लास लेते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।